Some of them already confused what sir is teaching us. Later on you'll understand. अभी हम इसका दो मैं लूंगा, विल को और कैन को. कैन, अब ये जो कैन है इसमें तो कई चीजें, डू, विल, कैन, डेयर, नीड. लेट मी राइट डाउन. कैन, डू, कैन, will, need और dare. ये आप लोग पांच verbs आप लोग देखिए, ये यहाँ पे modal auxiliary verbs है. ये पांचटा verbs modal auxiliary verbs है, किंतु लगत है ये बिलाक main verbs है और नाउनो है. ये पांच verbs मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के जैसे काम करता है, साथ ही साथ ये मेन वर्ब के जैसे भी काम करता है और ये नाउन भी है. जैसे कि एक ही आदमी है, किसी का माँ है, किसी का बेटी है और किसी का पत्नी, तो इसी प्रकार से ये कभी एज अ नाउन काम करेगा, एज अ मेन वर्ब से, एज अ मेन वर्ब, और कभी कभी एज अ मॉडल वर्ब. अब मॉडल वर्ब का डिफिनेशन क्या है हमारे यहाँ पर हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स है. हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या है, एक दूसरे वर्ब को हेल्प करना, वो हेल्प करता है. मेन वर्ब्स का काम क्या है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए. कोई एक वर्ब यहाँ से ले लेता हूँ, ही कैन डू दिस. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, He can do this. मैंने जैसे ही लिखा he can do this, okay. This is the main verb. He can do this. Do is the main verb और can क्या है, एक helping verb है, या इसे आप modal verb भी कह सकते हैं. ये can इस do को help कर रहा है. क्या help कर रहा है, उसमें कुछ extra meaning add कर रहा है, एक capacity का meaning add कर रहा है. ये भी समझ में ना आए तो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स में और एक ले लेता हूँ, जैसे कि ही हैज डन दिस. ही हैज डन दिस, ये हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, या तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. अब ये जो डन मैंने लिखा डी ओ एन ई डन, एक्चुअल में तो ये डू था, डू था ना, डू को किसने डन कर दिया, हैज कर दिया ना, तो हैज का काम क्या है, डू को डन कर देना. That's why this is the main verb. इस main verb को इसने help किया, किसने help किया, has ने help किया. Main verb to all done या do आसिले, किंतु यह has to help कोई ले done हो बोले, ये तो कारण यह क्या है, helping verbs. तो ये गुटे किनी verbs भी लाके आन ऐटा verb को help करे, कि बाद extra meaning add करे according to the situation. The work of an auxiliary verb is to help another verb to create or to give the accurate meaning according to the situation. Got it? तो यह तो काम है, मतलब auxiliary verbs या helping verbs का काम है कि दूसरे verb को help करना according to their situation, कुछ extra meaning एक दूसरे verb में add करता है. And auxiliary verb adds an extra meaning to the main verb. जैसे यहाँ पे इसने है, यहाँ पे do था लेकिन has के वजह से done हो गया, ये वर्ब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया. और यहाँ पे भी डू है लेकिन कैपेसिटी का मीनिंग ऐड कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स है ये, या तो मॉडल वर्ब्स आप समझ सकते हैं. ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं, कैन को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कैन, तो ये तीन है, एक तो है मॉडल वर्ब, ध्यान से समझना है, और एक है मेन वर्ब और एक है नाउन. कैन तीन होता है. The word can, most of the people know that can just is used for showing the capacity and ability as a modal verb, but it's not like that. ये सारे जो verbs है, main verb as noun, as a main verb and as an auxiliary verb use होता है.
आपको मैंने कैन को दिखा दिया यहाँ पर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? दिस वन, वंस अगेन आई विल शो यू, ओके? सपोज वी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन इज व्हाट एंड दिस वन इज व्हाट, प्लीज टेल मी. स्पीक इज मेन वर्ब, कैन इज हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से व्हाट मॉडल वर्ब, वहां पे लिख के रखा हूं, राइट? ये कैन हेल्प कर रहा है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं. सकते हैं का मीनिंग कहां से आया? कैन से आया. हम इंग्लिश कब पारिम, हे पारिम तो कौन पढ़ाई से, कैन पढ़ाई से, हे कारण एक वर्ब पे गल, तो ए जो मॉडल वर्ब, सो मॉडल वर्ब ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस, किंतु मेन वर्ब हिसाब से कैन का यूज है, किंतु मेन वर्ब हिसाब से तब से नाउन हियर कैन टू मॉडल वर्ब, तब से मेन वर्ब, तब से नाउन. तो अभी मेन वर्ब हिसाब से साउ दे कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम कैन मेन वर्ब हिसाब से साउ, तो यार तीन टा फॉर्म होबो, की होबो एज अ मेन वर्ब. ए मेन वर्ब तो का और एक नाम है बेस वर्ब बोली कहा है, बेस वर्ब. इसका और एक नाम है, इसे हम बेस वर्ब भी कहते हैं. तो ये तीन होगा. पहले बात है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज कैन, सेकंड फॉर्म इज कैन, थर्ड फॉर्म इज कैंड, कैन कैंड कैंड. कैन कैंट कैंट ये हो गया, लेकिन मीनिंग क्या है इसका? हेलो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कैन का एज अ मेन वर्ब? वी हैव टू नो दिस. हम तो यूज करीम कैन कैन कैन, किंतु मीनिंग तो की है? दो मीनिंग है कैन का, दो मीनिंग है. एक मीनिंग है टू पुट फर्स्ट यू राइट, हैव यू रिटन दिस? हम कैन टू कैस. अच्छा, कैन टू एज अ नाउन की है? एज अ नाउन, एज अ नाउन मीनिंग की है? कंटेनर, टेमा, आखेन, टेमा बोली जी क्या है ना, ये कैन बहुत जगह आपको मिलता है. कैन यूज, कैन का मतलब वो होता है कैंडी कैन, कैन ना कैंडी कैन, या कुछ भी बोतल टाइप का या डब्बा जो कहते हैं ना कंटेनर, वो उसको कैन भी कहा जाता है. आप गूगल पे टाइप करोगे तो कैन का वैसा बहुत पिक्चर निकल जाएगा. स्मार्ट बाजार, बिग बाजार में आप अगर जाएंगे तो उस टाइप का कैन बहुत मिल जाएगा. कंटेनर को कहा जाता है कैन. तो ये है कंटेनर, आ कंटेनर. इफ यू ओपन द डिक्शनरी ऑन गूगल, इफ यू टाइप, यू विल गेट द मीनिंग ऑफ कैन एज अ नाउन इज अ कंटेनर, करेक्ट? तो अब यहाँ पे पहला जो मीनिंग है कैन एज अ वर्ब, एज अ वर्ब में देंगे तो इसका मीनिंग इस तरीका से है. टू प्रिजर्व To preserve something, especially liquid food, especially liquid food, by putting it into a container. तो ये कंटेनर मतलब बाय पुटिंग इनटू अ कंटेनर मतलब कैन, कैन का मतलब है स्पेशली लिक्विड फूड. लिक्विड फूड क्या हो सकता है? हनी और ऐसा जूस, ये भी लिक्विड फूड है. हनी भी है और क्या हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, पुडिंग, कुछ खाने वाला लिक्विड टाइप का अगर हो तो आप बोल सकते हो हनी में लिख रहा हूँ. मान कैन द हनी प्लीज, कैन द हनी प्लीज का मतलब क्या है? प्रिजर्व द हनी बाय पुटिंग इट इनटू अ कंटेनर.
माने हानी टू टेमात भराई दिया जेतु आमी पिसत यूज करिवो पारिम ता डेफिनेशन है ना हेतु टू प्रिजर्व समथिंग स्पेशली लिक्विड फूड बाय पुटिंग इट इनटू अ कंटेनर संग्रह करके रख देना ताकि हम बाद में यूज कर सकते हैं कोई भी लिक्विड फूड को उसका मतलब होता है कैन कैन का मतलब टू प्रिजर्व समथिंग रखना स्पेशली लिक्विड फूड कहाँ पे रखना डब्बे में डालकर रखना टेमात भराए स्पेशली लिक्विड फूड राखी थुआ टू के कुआ है कैन एज अ वर्ब इज अ फर्स्ट मीनिंग हो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो दिस यू कैन यूज दूटा यूज करिछो दे कैन यू कैन द जूस कैन यू कैन द जूस तमाने कि कैन यू कैन द जूस माने जूस तो टेमात भराए थ दी पारि माने तो इत दूटा कैन आ गल ना एक कैन क्या है मेन वर्ब और ये कैन मॉडल वर्ब नाउन कौन पढ़ाई गल मॉडल वर्ब ये तो कैन मॉडल वर्ब कैन यू कैन द जूस ये कैन इस कैन का एक इस कैन में ये तो कैन का मतलब क्या है ये तो कैन का मतलब क्या है प्रिजर्व करना टू प्रिजर्व टू प्रिजर्व ये तो प्रिजर्व करना हो गया ये कैन का मतलब माने कैन यू प्रिजर्व द जूस बाय पुटिंग इट इनटू अ कंटेनर यदि आमी बेलेक ढोरने यदि कह आ यदि इफ यू आर गोइंग टू स्पीक दिस वे कैन यू कैन द जूस यदि आमी ए ढोरने कह कैन यू कैन द जूस देन इट इज आल्सो राइट यू कैन यूज आल्सो दिस वे ऑलराइट कैन यू कैन द जूस तो इस तरीका से है ना कैन यू कैन द कैंडी कैन इफ यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इफ यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन प्लीज कैन द कैंडी कैन इन अ कैन मैंने तीनों यूज किया तीनों नाउन भी यूज किया कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन कैंडी कैन को आप कैन में एक कंटेनर में रख सकते हो कैन यू कैन प्रिजर्व कर सकते हो कैन यू प्रिजर्व द कैंडी कैन इन अ कंटेनर उसी को मैं तीनों जगह में कैन लगाऊंगा कैन यू कैन द कैंडी कैन एक वर्ड है कैंडी कैन यू कैन द कैंडी कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इफ यू कैन अगेन इफ यू कैन मॉडल वर्ब कैन कोमा कैन द कैंडी कैन अगेन कैन प्रिजर्व द मेन वर्ब कैन द कैंडी कैन इन अ कैन फिर से नाउन यूज किया इसी को कैसे कहते हैं कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इफ यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन तीनों यूज हो गया तो इसमें तीनों का तीनों आ गया आपको मैंने नाउन भी यूज कर दिया वर्ब भी यूज कर दिया लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इसमें नाउन वर्ब और मेन वर्ब मॉडल वर्ब मेन वर्ब और नाउन तीनों के तीनों यूज कर दिए बुझी पाए ना तुम लोग है बहुत मानु है कैन माने खाली पढ़ा तो कैपासिटी एबिलिटी हेटे जाने मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट कैन माने कि दी एबिलिटी और कैपासिटी बा इनफॉर्मल परमिशन कारण यूज करा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैन का यूज जो होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन आई कम कैन आई गो या तो कैन का एबिलिटी या कैपेसिटी में ये कर सकता हूँ ये हो सकता है इसके लिए कैन यूज किया जाता है ये तो बस एक मॉडल वर्ब के हेल है ये सिर्फ मॉडल वर्ब लेकिन मेन वर्ब में कैन का मतलब क्या होता है फर्स्ट टू प्रिजर्व समथिंग स्पेशली लिक्विड फूड बाय पुटिंग इट इनटू कंटेनर ये मीनिंग होता है और एज अ नाउन अ कंटेनर तीनों बता दी मैंने अब दूसरी मीनिंग क्या है कैन का वो देखते हैं हम इसका मीनिंग क्या है टू डिसमिस फायर और सैक समबडी फ्रॉम फ्रॉम हिज जॉब किसी को नौकरी से निकाल देना इस कैन का सेकेंड मीनिंग होता है एज अ मेन वर्ब
टू डिसमिस फायर और सैक समबडी फ्रॉम हिज जॉब. यू विल बी कैंट मतलब यू विल बी फायर्ड. यू विल बी फायर्ड यू विल बी कैंट टुमारो. यू विल बी फायर्ड टुमारो. नौकरी से निकाल देना कैन का सेकेंड मीनिंग होता है. अगर किसी ने आपको बोला यू विल बी कैंट टुमारो और आपने कुछ और समझ लिया कैन का मीनिंग, वो बोल रहे नौकरी से निकाल दे जाएगा और आपने कुछ समझ लिया यू विल बी कैंट मतलब मैं किबाटा पारिम मोर बसे कैसे यू विल बी कैंट मैं किबाटा पारिम किंतु बसे की कैसे कहले तुम्हें उलिया दिया हम हे कारण मीनिंग बिलाक यदि अधूरा अगर अधूरा मीनिंग पता है तो उसका हमेशा मीनिंग जो निकालेंगे आप कुछ ना कुछ गलत ही निकालेंगे. तो क्लियर कट मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. तो कैन का अभी आप लोगों ने आज पूरी तरह से सीखा कि कैन को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मेन वर्ब और एज अ नाउन. एज अ मेन वर्ब उसकी दो मीनिंग होती है, एक कोई लिक्विड फ्लूइड को कंटेनर में रखना और एक मीनिंग होती है किसी को नौकरी से निकाल देना. टू डिसमिस फायर और सेक समबडी फ्रॉम हिज जॉब. सो यू विल बी कैंड या तो यू विल बी फायर्ड. फायर्ड भी यूज किया जाता है ना, यू विल बी फायर्ड. ये एस ए सी के है. एस ए सी के का मतलब क्या है? इसका एज अ नाउन मीनिंग क्या होता है? ये भी एज अ नाउन एंड वर्ब यूज होता है. सेक का मतलब होता है पता है आपको अखमियात जो बस्ता बोली को है और हिंदी में उसको बोरी या बोरा कहा जाता है. सेक एज अ नाउन. तो नौकरी से निकाल देने के बाद वही एज अ वर्ब में मतलब आप बोरा ढोना मतलब ऐसा मीनिंग आ गया. डू अंडरस्टैंड? यू विल बी सैक्ड. कोई अगर आपको नौकरी से निकाल देगा काम से तो वो ऐसा भी बोल सकता है यू विल बी सैक्ड, यू विल बी कैंड, यू विल बी डिसमिस्ड, यू विल बी फायर्ड. बाक सिनोनिम्स वर्ड है ये सब. ये सब क्या है? सिनोनिम्स वर्ड्स है. किसका? कैन का. कैन का सिनोनिम्स वर्ड है डिसमिस, सैक एंड फायर. यू कैन यूज दिस. हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? हैव यू लर्नड अबाउट कैन टुडे? इज इट क्लियर? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने जितने सारे वर्ब्स लिखा था, विल, कैन, डू, नीड, डेयर, सब ऐसे ही यूज होता है. अगेन यू सी हियर, जैसे कैन का तो मैंने क्लियर क्या क्या था, कैन, विल, डू, नीड और क्या था, डेयर. इसमें से हमने क्या सीखा आज? कैन. इसी प्रकार से विल भी होता है. तीन सिर्फ विल सिखाऊंगा आज, नहीं तो आप लोग ज़रा ही कंफ्यूज हो जाओगे. विल क्या क्या होता है? नाउन, देन मेन वर्ब, देन मॉडल वर्ब. नाउन, मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब. विल एज ए विल का नाउन का मतलब क्या है? हेलो, नाउन का मतलब विल मीन्स व्हाट? कई मीनिंग होता है. एक तो मीनिंग मान लीजिए, पहला मीनिंग आपकी डिजायर, इच्छा. एज अ नाउन इंटेंशन. इंटेंशन बोलते हैं ना, इंटेंशन, इरादा, डिजायर. एज अ नाउन ये काउंटेबल नाउन आप यूज कर सकते हैं इसे. जस्ट लाइक आई एज अ नाउन, दिस इज ओके काउंटेबल नाउन. एज अ नाउन आई डोंट हैव अ विल टू eat dinner tonight. आज रात को मुझे डिनर खाने की इच्छा नहीं है.
आई डोंट हैव अ विल टू ईट डिनर टुनाइट. अ विल, यू अ विल मतलब कोई इच्छा, कोई इंटेंशन. मेरे साथ बाजार जाओगे? आई डोंट हैव अ विल टू गो. आई डोंट हैव अ विल टू गो दिस वे. आई डोंट हैव अ विल टू गो. कुछ भी, ही हैज़ नो विल टू स्टडी. ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ने का मन नहीं है. অসমীয়াত আমি যে মন যোৱা নাই বুলি কোৱা নহয় সেইটো আৰু. হি হেজ নো উইল টু, হি হেজ নো উইল টু ষ্টাডি, দিছ ৱে ইউ কেন ইউজ. তো এজ এ নাউন, এজ এ নাউন, ইয়াৰ পৰাহে নাউন হিচাপে মানুহে ইউজ কৰে উইল পাৱাৰ কেতিয়াবা. যদি মই ইয়াৰ ডিফিনেশ্যনটো যদি কওঁ উইলৰ, তো এনেকুৱা ক'ব লাগিব দেই. The ability to control your thoughts and actions in order to achieve what you want to achieve or intend to do. Once again, the ability to control your thoughts and actions in order to achieve or do what you want or intend. Ye iski definition hai. Will ka definition kya hai? The ability to control your thoughts. Apne thoughts ko control karne ke. The ability to control your thoughts and actions in order to achieve. इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य, इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, उसके लिए अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने की क्षमता को हम विल कहते हैं. विल हमारे अंदर एक क्षमता है जिसे हम अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. क्यों? क्योंकि हम जो करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसे हम कर पाए. उसे ही विल कहा जाता है. ये सभी विल होता है. और एक विल मैंने यहाँ जो बताया, ये एक इच्छा बताया आपको, तो ये भी बात वैसे ही है. खाने की इच्छा नहीं है आपने, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो. ये विल आपको कंट्रोल कर रहा है. क्या चीज़ को? खाने को, उस एक्शन को कंट्रोल कर रहा है. यू हैव टू हैव, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग विल टू अचीव योर गोल. कहते हैं ना, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग विल, अ स्ट्रांग माइंड, अ स्ट्रांग विल पावर to achieve your goal, to do what you want to do in your life. तो इस तरीका से आप will के use कर सकते हो. Second meaning अगर will का देखा जाए तो ये होता है, will means, पूरा नहीं लिखूँगा, an official document, इतना ही लिखूँगा. ये एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है. कैसा डॉक्यूमेंट? लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. इसको हिंदी में कहा जाता है वसीयतनामा, और असमीज में इच्छा पत्र जिसे कहा है. कोर्ट में जो विल बनता है, इसकी पूरी डिफिनेशन बोलूँ तो ऐसे, इट इज़ टू मेक, विल का मतलब क्या, टू मेक एन डॉक्यूमेंट, टू मेक एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ समबडी that he will be the owner of your property when you die. आपके मरने के बाद वह आपके property का मालिक बनेगा. उससे आपने will बना दिया उसको. Will मतलब वो जो कागज़ है, document है, उसको कहा जाता है. ये रहा will. क्या will? इसमें क्या लिखा है कि मेरे मरने के बाद ये दोनों बेटा का property नहीं मिलेगा, किसी और पड़ोसी का बेटे को आपने लिख कर दे दिया क्योंकि उसने आपका देखभाल किया, इन लोगों ने नहीं किया, तो विल जाके कोर्ट में बना दिया उन्होंने. होता है ना विल बनाते. एक फिल्म में मैंने देखा था, शायद उसमें अक्षय कुमार था, तो वो मालिक ने उस प्रॉपर्टी का कुत्ते के नाम पे विल कर दिया था. और उसके विल कौन है, कौन है, कुत्ते के नाम पे विल किया था, ढूंढते ढूंढते मिलते नहीं कि कौन है. बाद में कुत्ता निकलता, वो कुत्ते के नाम पे विल कर दिया था, इंसानों को नहीं किया था उन्होंने, तो विल कर दिया जाता. तो वो एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एज अ नाउन. कुछ लोग इसी को विल पेपर्स कह देते हैं, तो वसीयतनामा कहा जाता है, इच्छा पत्र जिसे कहा है. हेतु हल विल, ये हो गया एज अ नाउन. हमने एज अ नाउन विल को सीखा, बट एज अ मेन वर्ब का मतलब क्या होता है वो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या मिला आपको? मैंने डिफिनेशन बताया, दी एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव एंड डू व्हाट यू वांट टू अचीव और इंटेंट टू डू. मतलब आपकी इंटेंशन, आपकी एक क्षमता है, ये एक एबिलिटी है.
ये वाला बताया। और सेकेंड यहाँ पे जो इसमें बहुत सारा चीज़ घुसा हुआ है, आपके डिजायर भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। नेक्स्ट में इज अ मेन वर्ब क्या हो सकता है, लेट्स सी हियर। एज अ मेन वर्ब विल, पहली बात है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म विल, थर्ड फॉर्म विल, विल एज अ वर्ब सीख रहे हैं, ओके, मेन वर्ब, नॉट मॉडल वर्ब, वी आर लर्निंग एज अ मेन वर्ब। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, विल, विल्ड, 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 विल, विल्ड, विल्ड, फर्स्ट मीनिंग टू desire or intend, intend something, intend कहाँ से आ रहा है, intention से, intend, intention, intention is the noun form, इसका verb form क्या है, intend, intend is the verb form of the intention, intend का मतलब क्या, इरादा करना, इस तरीका से, या डिजायर, कुछ डिजायर करना, कुछ इच्छा करना, वहाँ पे था इंटेंशन और डिजायर एज अ नाउन, बट यहाँ पे करना एक्टिविटी है यहाँ पे, जैसे कि आई एम नॉट विलिंग, आई एम नॉट विलिंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो एक नहीं कर रहा, बट आई एम विलिंग टू ईट, लेकिन मुझे तो खाने को मन कर रहा है, एक कह रहे हैं कि आई एम नॉट विलिंग टू कुक, वन इज टेलिंग दैट आई एम विलिंग टू ईट, तो विलिंग मैंने অসমীয়া যদি কলে মন যায় মন যায় বাজা মানে সিনেমা চাবলে মন গৈ আছে, আই এম উইলিং টু ওয়াচ এ ফিল্ম, খাবলে মন গৈ আছে, আই এম উইলিং টু ইট ফুড, তোমার লগত যাবলে মন গৈ আছে, আই এম উইলিং টু গো উইথ ইউ, ওকে, আর ইউ উইলিং টু গো উইথ মি, জাস্ট লাইক আর ইউ উইলিং, আর ইউ উইলিং টু go with me this way, are you willing to go with me, are you desiring to go with me, are you intending to go with me, matlab do you intend to go with me, do you desire to go with me, iske alternative sentence kya ho sakta hai, do you desire to go with me, do you intend to go with me, or you can say are you willing to go with me, baat hai ki hai, are you willing to go to the class today, are you willing to help me, मुझे हेल्प करने के लिए तुम विल मतलब मन गोया से दिस से, ठीक है, क्लियर है ये विल, एज अ वर्ब टू, यहाँ पे लिख के रखा ना कहीं पे मैंने, हाँ दिस वन, तो याद रखना है इसको आप लोग, टू डिजायर और इंटेंड समथिंग, ये विल का मतलब होता है। वन सेंटेंस एनीबॉडी प्लीज, are you willing to learn more, are you willing to come here, this way, dono agar use karu main, will you, will to go with him, or will you will to marry him, yeah marry her, देखो विल यू विल टू मैरी हर, ये विल का मतलब क्या है, और ये विल क्या तुम इच्छा करोगे उसके साथ शादी करने के लिए, उसको शादी करने के लिए, क्या तुम इच्छा करोगे उसे शादी करने के लिए, कि तुम्हार मन जाबो ने ताक बिया पाती बोले, या विल यू विल, ये विल क्या है, मॉडल वर्ब, दिस वन इज मेन वर्ब, एट विल माने की intend ba desire, will you intend to marry her, will you desire to marry her, bhavishya mein karoge koriba tanega dutai ahigol, to etu main verb ahigol amar
विल एज अ नाउन शिकिलो वर्ब और मॉडल वर्ब हिसाब से गुटेखिनि आजि आमि इयाक ठेक करिसो आरो एटा बाकी आसे विलर इट इज द फर्स्ट मीनिंग दिस लो सेकेंड मीनिंग अफ विल एज अ वर्ब एटु हय दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट द डॉक्यूमेंट द लीगल डॉक्यूमेंट द पेपर्स हेतु आसिले किंतु यात विल विल का मतलब है टू मेक दैट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ समबडी टू द नेम ऑफ समबडी और टू समबडी दैट ही और सी विल बी द अनर ऑफ योर प्रॉपर्टी व्हेन यू डाई वन सेकेंड आई एम गोइंग टू रिपीट दिस इज एज अ वर्ब to make an official document to the name of somebody that he or she will be the owner after you die. He or she will be the owner of your property after you die. Once again, the definition of this what? To make an official document in a court, legal document, to the name of somebody that he or she will be the owner of your property when you die or after you die. आपके मर जाने के बाद कोई वह व्यक्ति जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है वह अनर हो जाएगा तो वह डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस को कहा जाता है विल मतलब देने का अब मैं दे रहा हूँ एक सेंटेंस लिखूँगा जैसे कि मिस्टर खन्ना हैज विल्ड हिज property to Mr. D. Souza. देखो Mr. Khanna has willed his property to Mr. D. Souza. Mr. Khanna ने अपने property को D. Souza को will कर दिया has willed मैंने has made the official document कर दिया उन्होंने got it Did you understand all of you? So will से related मैंने आपको as a noun भी बताया as a main verb बताया और as a modal verb बताया Will are related, I have told you as a main verb, as a modal verb or as a noun. So this way you have to learn also dare and need and do also. Do is also used as a noun, do is also used as a main verb and do is also used as a modal verb and need also and dare also in the next class we will learn about need dare and do as a noun as a modal verb or as a main verb if you will to learn so will you will to learn tomorrow yes sir see will you will to learn tomorrow abhi se aap log bhi use kar sakte hain If you desire to learn tomorrow, मतलब if you will to learn tomorrow, हमने desire के जगह में will लगा दिया If you intend to learn tomorrow, यहाँ पर हमने क्या कहा If you will to learn tomorrow, so will to learn, will you desire to learn, will you intend to learn? So intend और desire है वही will है as a modal verb, a main verb. As a main verb दो होता है एक तो ये और दूसरा क्या विल कर देना जो मैंने अभी बताया दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास आई डोंट वांट टू टीच एनी मोर अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज आई हैव टॉट यू सो मेनी थिंग्स यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स एट योर होम व्हाट आर द थिंग्स व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द वर्ब्स हाउ आई हैव कैटेगराइज द वर्ब्स वर्ब्स क्या था ये पहले एक वर्ब को हमने दो भागों में बांटा ऑक्सिलरी हेल्पिंग एंड एनोमलस फाइनल वर्ब्स दूसरा पार्ट क्या था लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब्स अनामलस फाइनेट वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स तीनों एक ही चीज़ होता है उसका अल्टरनेट नेम मैंने लिखा उसको फिर दो भागों में मैंने बांटा एक क्या था प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या था डू डस डिड शैल शुड कैन कुड विल वुड मे माइट मस्ट नीड यूज्ड टू ऑट टू एंड डियर 16 ये था और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एम इज आर वाज वर डू डू नो एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड दीज आर द एट एंड 16 इफ यू प्लस You'll get 24. So how many auxiliary verbs are there? There are 24 auxiliary verbs. And how many modal auxiliary verbs are there? There are 16 modal auxiliary verbs. और प्रत्येक modal auxiliary verbs के बाद में हमें से क्या active
सेंटेंसेस में हमें यूज करना है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कितना है, हाउ मेनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर, देयर आर 8 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. एंड ऑन द अदर साइड यू विल गेट लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब्स, उसके डिवाइड करेंगे तो दो मिला हमें डिविजन. एक क्या है, वीक वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, जिसमें वॉक, वॉक टू वॉक, लिव, 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 लाइक दिस. अनदर इज व्हाट, अनदर पार्ट इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रांग वर्ब्स, वेयर यू हैव टू यूज, वेयर यू हैव टू लर्न. व्हाट आई टोल्ड यू दैट इट इज गिवन द लिस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, और यू कैन गो एंड टाइप ऑन द गूगल इरेगुलर वर्ब्स लिस्ट, देयर फ्रॉम देयर यू विल गेट द लिस्ट एंड यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन गेट इट प्रिंटेड एंड यू कैन पुट इट समवेयर सो दैट एवरी डे यू कैन वॉच इट. In some days and months, you can have all the irregular verbs into your brain. तो इस तरीके से आप irregular verbs को भी आप सीख सकते हैं. और irregular verbs सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आपको confuse करते ही करते रहेगा. All right, all of you. So did you learn something new today? Yes, sir. Did you enjoy the class today? Yes, sir. Have you understood each and everything what you were have taught today? Yes, sir. Yes or no? If you have the confusion, any doubts, tomorrow please ask me. I'll clear the doubts. Don't keep the doubts inside. Doubts are the virus that will harm your operating system. Okay? Bye-bye. Have a nice day to all of you. Take care.